सोशल मीडिया संबंधित है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो सर हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ डिस्प्ले करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। अरविंद जी एक बार प्लीज। ये सर का नरेंद्र मोदी ऐप पर वेरीफाइड हैंडल है, जितने भी लोग सर से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी और जो नहीं जुड़े हुए वो कृपया जुड़े नरेंद्र मोदी ऐप पर। ये सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, ये भी वेरीफाइड है पीपी चौधरी जी के नाम से, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं और सर की एक्टिविटीज को आप देख सकते हैं। ये सर का फेसबुक हैंडल है, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप का एक इनेबल्ड बटन भी देख रहे हैं, ये भी एक जुड़ने का अच्छा माध्यम हो सकता है आप सभी के लिए। और ये सर का ट्विटर हैंडल है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं सर से और सर के बारे में ज्यादा जानकारी और इवेंट्स के माध्यम से अपडेट रह सकते हैं। और मैं अरविंद जी से अनुरोध करूंगा कृपया अगर हमारे वर्चुअल मीट के हैंडल्स भी अगर वो डिस्प्ले कर सकें फिर हम क्वेश्चंस लेंगे सर से। ये नरेंद्र मोदी ऐप का वेरीफाइड हैंडल नरेंद्र मोदी ऐप पर ही है, काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं और मैं अनुरोध करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जितनी भी सूचनाएं हैं और जो भी न्यूज और इवेंट्स अपडेट्स हैं वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये नमो ऐप वर्चुअल मीट का यूट्यूब हैंडल है, जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं इवेंट्स होती हैं उसके बाद भी वीडियोस यहां रहते हैं तो आप बाद में भी उसे देख सकते हैं और क्या इवेंट्स है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है जिसमें भी आप देख पा रहे होंगे अभी लाइव इवेंट और बाकी इवेंट्स और बाकी अपडेट्स भी यहां से आपको मिलेंगे। और ये हमारा ट्विटर हैंडल है ऑफ नमो ऐप वर्चुअल मीट, ये वर्चुअल इनिशिएटिव है बाय वॉलंटियर्स ऑफ नरेंद्र मोदी ऐप, यहां से भी आप जुड़े और कृपया इससे भी आप इवेंट्स के माध्यम से अपने आप को अपडेट रखें। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद सर आपकी अनुमति के लिए हम इसे डिस्प्ले कर पाए। अब मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि जैसा सोशल मीडिया का आजकल युग है और खासकर लॉकडाउन में सोशल मीडिया की उपयोगिता और ज्यादा बढ़ गई है और हम देखते हैं कि आप नरेंद्र मोदी ऐप पर भी काफी एक्टिव हैं, तो हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी नजर में नमो ऐप की उपयोगिता और इसकी सार्थकता कितनी है और इसके माध्यम से संवाद करने में आपको कितनी आसानी होती है और आप नमो ऐप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए नमो ऐप जो है अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया है। न्यूज देखने की वजह से सबसे पहले मैं तो सारे जो श्रोतागण हैं जो भी सुन रहे हैं मैं उनको यही राय दूंगा कि आप कोई भी न्यूज नहीं देखें अगर सबसे पहले नमो ऐप पे जो विभिन्न एक्टिविटीज हैं चाहे मन की बात की हो वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। जब भी कोई भी मन की बात देखना चाहते हैं वो मिल जाएगी, उसके बाद में न्यूज जो चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे देश में डेवलपमेंट की बात हो चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में हो चाहे मोदी जी के भाषण के बारे में कहाँ कहाँ उनकी एक्टिविटी होती है तो आप बहुत ही संक्षिप्त में और सारे सारे क्रिस्टलाइज वे में आपको एक जगह मिल जाता है। इतना ऐसा संग्रह जिसको हम कह सकते हैं कहीं भी किसी रूप में नहीं मिल सकता। तो सबसे ज्यादा किसी मैं तो कहता हूँ जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मिनिस्टर्स हैं और भी लोग जो ये चाहते हैं कि उनको हर बात की जानकारी मिले और चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी की हो किसी क्षेत्र की तो नमो ऐप में प्रधानमंत्री जी के भाषण से या कोई भी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको सारो नमो ऐप पे आ जाती है तो उससे हमें जानकारी मिल जाती है। और वो जानकारी जो है हम क्षेत्र में चाहे हम चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हम अपनी स्पीच देवें या कहीं अगर मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम करने की बात हो या कहीं मिनिस्टर को भी अपने अपने फील्ड में काम करने की बात हो या ऑफिसर्स वगैरह हो जो उनको पॉलिसी डिसीजन लेने हो बनाना हो कोई नीति बनानी हो तो हर तरह के जो है नमो ऐप जो है अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट है एक एनसाइक्लोपीडिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो उनको नमन करता हूँ जिन्होंने इस नमो ऐप को शुरू किया जिससे कि हमें बहुत जानकारी मिलती है हर चीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके।